नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं हिंदू पोस्ट के लिए देवदत्त माजी जी से, जो कि पहले हिंदू समिति और अब एक संस्था है सिंह बाहिनी, उससे जुड़े हुए हैं और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भागों में सक्रिय है इनकी संस्था। तो देवदत्त जी, आप बताइए हमें कि सिंह बाहिनी जो संस्था है उसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार, सिंह बाहिनी 2018 में हमने फॉर्म किया है, तो इसका मूल उद्देश्य है जो देश विरोधी और धर्म के विरोध में जो ताकतें हैं उसके विरोध में काम करना, हिंदू धर्म के लोगों को उससे बचाना और हिंदू धर्म के लोगों को सक्रिय करना, अवेयर एंड अलर्ट करना, ताकि वो जो अप्रोचिंग एंड एग्जिस्टिंग डेंजर है उसको समझे और अपने आप को प्रिपेयर रखे कोई भी सिचुएशन के लिए। और इस ये करते हुए जो हमारे पिछले सोकल्ड पिछले वर्ग के जाति है, मूलतः जो आदिवासी है, संताल है, एससी ओबीसी के लोगों हैं जो अधिकतम विलेजेस में रहते हैं, वो लोग को एम्पावर करना, वो लोग को ये भरोसा देना कि दुनिया के बाकी हिंदू वो लोग के साथ खड़े हैं, यहाँ पर वो लोग का ज़मीनी लड़ाई है उसमें हम उसको सहयोग करते हैं, उसका लीगल उनको लीगल असिस्टेंस देते हैं और वो लोग को हर तरीके से एम्पावर करने का प्रयत्न करते हैं। तो बंगाल में और असम जैसे राज्यों में तीन सबसे बड़ी समस्याएं जो हिंदू आज फेस कर रहे हैं वो क्या आपके हिसाब से क्या हैं? वो एक तो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है जो मेन है, हमको लगता है जो मेन है, जिस तरीके से विधर्मी लोग, विपरीत धर्म के लोग का संख्या बढ़ रहा है, जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। और जो हिंदू अनअवेयर है, हिंदू को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका अप्रोचिंग, उनके ऊपर जो अप्रोचिंग डेंजर है, स्पेशली अर्बन हिंदूज जो है, वो लोग जो कैजुअल लाइफ लीड करते हैं, हमको लगता है ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और जहाँ तक सिटीजनशिप का मामला है, तो आई थिंक इसमें एक दूसरा तरीके से भी सोचना का आवश्यक है, वो ये है कि सिटीजनशिप का इशू आज से नहीं, बहुत सालों से चलते आ रहा है। और अगर हम मान भी लेते हैं कि जो बांग्लादेश से पीड़ित हिंदू भारत में आए थे, अगर हम लोग वो लोग को सिटीजनशिप देते हैं तो इट इज़ गुड, बट केवल एक राज्य में, जैसे कि आसाम जैसे राज्यों में, वहाँ पर एक राज्य के ऊपर अगर पूरा लोड आ जाता है माइग्रेंट्स का, तो वो राज्य के जो निवासी हैं, मूल निवासी भूमिपुत्र हैं, ये लोग वो लोग के ऊपर भी जस्टिस नहीं है। क्यों एक या दो राज्य पूरा रिफ्यूजी का लोड लेगा? इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सिटीजनशिप दे दिया गया तो बांग्लादेश में जो बचे हुए हिंदू हैं वो लोग भी आग्रह और भी उत्साहित हो जाएंगे भारत में आने का, तो वी विल लूज सम चंक हिंदूज फ्रॉम इन हु आर ऑलरेडी देयर इन बांग्लादेश, तो ये भी एक समस्या है। तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को और भारत के लोगों को ऐसा मानसिकता होना चाहिए कि बांग्लादेश का जो क्रिएशन हुआ था, ये 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन में, लिबरेशन में भारत का एक सक्रिय रोल था। तो बांग्लादेश में जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो भारत सरकार और भारत के लोग क्यों चुप रहते हैं? अमेरिका जैसे देश, रसिया जैसे देश का सेना, आर्मी थर्ड वर्ल्ड में है, मतलब दूसरे देशों में भी मौजूद है, उसका इंटरेस्ट पर्पस सॉल्व करने के लिए, तो हमारे देश का जवान क्यों नहीं बांग्लादेश में होगा? अगर बांग्लादेश का सरकार वहाँ के हिंदू को प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, उनके माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, तो आई थिंक वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आवर फोर्सेस मस्ट बी प्रेजेंट इन बांग्लादेश टू सिक्योर द हिंदूज ओवर देयर। और बांग्लादेश में जो 29 या 30% उस समय जब हिंदू थे, जो हिंदू का संख्या थे, उतना लैंड हम बांग्लादेश से डिमांड करें, वी मस्ट क्रिएट इंटरनेशनल प्रेशर ऑन बांग्लादेश, वी हैव टोटली गिवन देम अ क्लीन चीट, वी आर थिंकिंग दैट जस्ट ऑन फेस वैल्यू दैट दे आर डूइंग इनफ, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी हिंदूज आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम्स देयर एंड वी मस्ट डू आवर बेस्ट बोथ द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री एज वेल एज द गवर्नमेंट टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, स्पेशली द हिंदूज। तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि
परसिक्यूटेड हिंदूज को ऑब्वियसली भारत में रेफ्यूज मिलना चाहिए, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां हिंदू है उसको वहीं सुरक्षित हम करने के लिए भारत सरकार एक ऐसा स्टेट बने जो हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, और नॉट जस्ट हिंदू, मैं कहूँगा सारे जो इंडिक अपने फेथ्स हैं, चाहे वो संथाल अपना ट्राइबल रिलीजन है या अपना जैन है सिखिज्म है, तो उसका एक एडवोकेट बनना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो NRC अभी हुआ है उसके बारे में आपका क्या थॉट्स हैं आसाम में जो हुआ है? हाँ देखिए, NRC का अलग अलग स्टेट में अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं, अलग अलग उसका रिजल्ट और रिएक्शंस आएंगे, पर आसाम में जो हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि अधिकतम हिंदुओं का नाम लिस्ट से बाहर है और मुस्लिम्स आर बेनिफिटिंग ओवर देयर, हम ये देख रहे हैं। तो उसमें दोबारा उसका ये होना चाहिए, पॉलिसीज होना चाहिए और दोबारा रिसर्च वगैरह करके फिर ठीक तरीके से इसको लागू करना चाहिए। तो ये NRC जो था ये एक सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड एक्सरसाइज था एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से मॉनिटर किया था एंड एक इंडिपेंडेंट आई थिंक देयर वाज अ एग्जीक्यूटिव प्रतीक हजेला उनके सुपरविजन में ये हुआ है। तो जो भी इसमें फ्लॉज हुए हैं, और आप सही बोल रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो 19 लाख नाम जो लिस्ट से बाहर हैं उनमें से 11-12 लाख अपने हिंदू हैं और गोरखा भी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं हिंदू, तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या फॉल्ट लगता है और वी हैव टू पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडीज डोर? जो भी एक्सरसाइज वहाँ पर हुआ है ये मेनली एक सेटअप के लोग किए हैं, ठीक है, तो आई थिंक इसमें न्यूट्रल पैनल होना चाहिए जो इसको एक्सरसाइज करे, और असिस्टेंस जो है फॉर द हिंदूज वो भी सिस्टमेटिक होना चाहिए। और अब मतलब आप देख सकते हैं कि मुस्लिम का नाम वहाँ पर ऑलरेडी मतलब दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, तो उसमें जो मुस्लिम लीडर्स हैं दे वर स्मार्ट इनफ टू गाइड देयर पीपल, whereas our leadership has failed both in guiding the people to get their names listed as well as to guide the people about the upcoming danger and reminding them ki why they left Bangladesh, what was the purpose due to which they were compelled to leave Bangladesh and take refuge to India, because what we have also seen that mainly the refugees after coming to India they have started their next generation they are unaware of the facts that why they left Bangladesh, matlab ek generation ke andar unki wo memory apni jo cultural memory hai wo loss hai kyunki wo ghar mein discuss nahi hota hoga, because what people think, what some of us think that this is a type of a defeatist mindset has developed, theek hai, or you could even say Stockholm syndrome. Yeah, Stockholm syndrome and the generation who came from there, they are most they should be responsible to educate their upcoming generation, future generation, to enlighten them and to pass on the history to them why they had to leave Bangladesh. They shouldn't repeat the same mistake after coming to India, because if they are repeating the same mistake, then again when the demographic problem which is already visible, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमारा जो जाति है ये क्या खाली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेंगे? तो दे मस्ट बी अ स्टॉप टू दिस, तो उसके लिए कोई आवाज़ कोई सोच नहीं रहा है। तो डेमोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज या रीजन्स हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ है? देखिए, आसाम में तो बहुत जिले मुस्लिम मेजोरिटी हो चुका है, बंगाल में 3 जिले कंप्लीट हो चुके हैं और काफी सारे ब्लॉक्स भी हो चुके हैं। तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं हम ज्यादा? हाँ, ये मेनली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से दूर भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स है, तहसील है जो यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग, क्योंकि हम चाहे जितना डेवलपमेंट कर लें बट who will be benefiting from those development at the end of the day or maybe after 10 years from now, jo develop kar rahe hai wo benefited honge ya those who are escaping the taxes, paying the minimum taxes, having minimum role in development of the nation,
वो आके उसको उसका बेनिफिट लेंगे, उसका लाभ लेंगे. Amongst urban people, there is also the belief that fundamentalism or extremism of certain communities is a factor of poverty. वो गरीब हैं इसलिए उनको भड़काना और उनको जो उनके religious leaders हैं वो उनको बहका देते हैं. ये आपको कहाँ तक सही लगता है? आप ये तो मुझे एकदम सही नहीं लगता है, because we have seen जो मुस्लिम लीडर्स थे, आज से सोचिए 200, 500, 600 साल पहले, 1000 साल पहले, द रूलर्स जो थे वो लोग तो गरीब नहीं थे. दे वर हैविंग ह्यूज वेल्थ एंड इट इज मेंशन्ड इन देयर रिलीजियस बुक दैट प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर फेथ पीपल आर देयर, दे हैव राइट ऑन दोज थिंग्स, राइट आर्टिकल्स एज वेल एज वेमेन, गनीमत, माले गनीमत दे कॉल इट. सो the more they like booty, jaise war ladte hain aur war mein haraate hain, they are already, they are always in war against the kafirs. Okay, the mindset is like that, that is clearly mentioned in their books. Modern society mein aise aapne examples dekhe hain, aap log ground pe kaam karte hain, dekhe jaise ki Sri Lanka mein jo blast hua, who are responsible, the educated and the rich people, they only planned it and they executed it. World दुनिया में जितना टेररिज्म होता है, ठीक है, अब ढाका का जो टेरर अटैक हुआ था वो कैफे में, वेल ऑफ पूरा, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन द सब कॉन्टिनेंट बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब यू कैन सी द सेम थिंग, बोथ एजुकेटेड एंड रिच पीपल एंड अनएजुकेटेड एंड पुअर पीपल, एज दे फॉलो द सेम डॉक्ट्रिन, सेम बुक, सेम मैनुअल, दे आर involvement in terrorism is the same. Maybe some are highlighted more or less, but their involvement is the same. Duniya bhar mein aap dekh sakte hain. Acha, ek aur cheez hai jisko ek myth ya ek rumor ki tarah dismiss kiya jata hai, wo hai love jihad. Ye love jihad, the naam love jihad hai, but we have seen there are cases ki jahan par matlab even love ka drama bhi nahi hota hai, direct अबडक्शन होता है, फिर थ्रेटनिंग होता है, फिर उसका फोटोज निकाले जाते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है. तो ये ऑफ कोर्स दिस इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी एंड वी आर सेल्फ हैव रेस्क्यूड हंड्रेड्स ऑफ लव जिहाद विक्टिम्स, वी आर शेल्टरिंग देम, वी आर काउंसलिंग देम, वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू ब्रिंग देम बैक टू द मेन स्ट्रीम एंड ऑल्सो मोटिवेट देम सो दैट दे हेल्प अदर विक्टिम्स. एक हम बच गए तो हम बच गए और हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं रहा, ऐसा नहीं. वी आर ट्राइंग टू मोटिवेट दीज विक्टिम गर्ल्स सो दैट दे ऑल्सो कम अप एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग अदर गर्ल्स, हेल्पिंग द सोसाइटी. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू दिस. तो फाइनली बस आपसे ये सवाल है कि आप हिंदू समाज को और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो हमारे बिजनेस लीडर्स हैं, हम सिर्फ एक पॉलिटिशियंस की बात ना करके जो पूरा हिंदू समाज है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हिंदू समाज के जो बिजनेसमैन है, जो व्यावसायिक लोग हैं एवं जो धर्म गुरु हैं, ये दोनों के लिए एक हमारा रिक्वेस्ट है ये कि जो हमारे सो कॉल्ड नीचे वर्ग के लोग हैं, जो गांव में नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, खेती करते हैं, किसी का किराने का दुकान हो या रिक्शा वाला हो, अल्टीमेटली जो रास्ते का दखल है, जो भूमि का दखल है, ये वही लोग का हाथ में है और वही अपने देश और भूमि के लिए लड़ाई कर सकते हैं. दे आर द फाइटिंग क्लास पीपल एंड वी मस्ट ऑलवेज यू नो ट्राई टू गिव देम द फीलिंग विच शुड बी जेन्युइन कि हम आपके साथ हैं. हम देखे हैं कि किशनगंज में, बिहार में, मोस्ट प्रोबेबली 6 जून को ईद था. ऑन दैट पर्टिकुलर डे थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स ट्राइड टू ग्रैब आदि संथाल लोगों का जमीन पर दखल करने आया, संथाल लोगों का महिला पर, बच्चों पर अत्याचार करने कर किया. तो उसमें केवल 12 संथाल दे स्टूड देयर ग्राउंड एंड दे ट्राइड टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड वेमेन फ्रॉम दोज जिहादीज. वो अपना तीर धनुष लेकर लड़ाई किया. कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.
बट 12 संथाल हैड टू गो टू जेल फॉर दैट, और देश का मतलब देश में किसी को पता भी नहीं चला. सो वी हैड टू गो देयर, और वो 12 लोगों को हमने लीगली मदद किया, वो लोग को जेल से निकाला. ड्यूरिंग देयर स्टे इन प्रिजन, वो लोग जो कि बहुत गरीब है, महीने का 1,000-1,500 रुपया वो लोग का इनकम, इतना गरीब है. तो वी टुक टोटल केयर ऑफ देयर फैमिली व्हेन देयर फैमिली हेड्स वर इन जेल. एक तो लीगल बैटल लड़ना और ऊपर से ये करना. एक संताल को उसमें डेथ भी हो गया, ही हैड 6 चिल्ड्रेन, तो उनका भी देखभाल करना. तो ये जो लड़ाकू जाति है, जो हमारे धर्म के आज के क्षत्रिय है, क्योंकि जो लड़ाई करता है देश और धर्म के लिए वही क्षत्रिय है, तो उसको हमको उसका ख्याल रखना चाहिए. उसको ये ना महसूस हो कि दिस इज माई लोन बैटल, ये हम अकेले के लड़ाई कर रहे हैं. वो सारा हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करता है, लाइक द बिजनेस कम्युनिटी, दे रिप्रेजेंट द हिंदू समाज. स्पिरिचुअल गुरु, दे रिप्रेजेंट द हिंदू समाज. इवन दोज पीपल हु आर फाइटिंग द डेली बैटल अगेंस्ट द बीदर मीन्स, इवन दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर समाज. सो यू मस्ट बैक देम फुल्ली. जब उनको परेशानी हो, स्पेशली वो जब धर्म के लिए कुछ कर रहा है, वी मस्ट असिस्ट देम. इससे एक और चीज मुझे ध्यान में आई कि जो आपने बात करी कि उन संथालों को जेल हुई, तो ये जो हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, उसका भी एटीट्यूड आपको कुछ उसमें डिफरेंस दिखता है जब एक हिंदू किसी क्राइम के लिए उसको एक्यूज किया जाता है वर्सेस कोई नॉन हिंदू को एक्यूज किया जाता है? हाँ, वो तो मतलब केवल किशनगंज या संथाल के लिए नहीं, पूरा देश में ऐसा दिखता है. और जब हिंदू कोई कंप्लेन रजिस्टर करने जाता हो तो पुलिस का जो रवैया रहता है, नेग्लिजेंस रहता है, वो इट इज़ वेरी विजिबल. ठीक है, उस तरी मतलब ये सब चीज को हम लोग को ध्यान, तो एक तरह का सेकुलर कंडीशनिंग हो गया है हमारे पूरे सिस्टम का. एग्जैक्टली, दे आर कंडीशन टू रिस्पॉन्ड मोर एग्रेसिवली व्हेन अ हिंदू इज अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, एंड दे आर कंडीशन टू सप्रेस द इंसिडेंट व्हेन अ नॉन हिंदू इज अक्यूज्ड. एग्जैक्टली. धन्यवाद देवदत्त जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि सिंह बहिनी का काम आगे बढ़े और आप जैसी और संस्थाएं पूरे देश भर में प्रकट हों. थैंक यू सो मच.